खबर बिहार के जहानाबाद से, जहां प्रशांत किशोर पीके के सामने ही जनसुराज पार्टी की बैठक में भारी बवाल मच गया। प्रशांत किशोर ने बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें बीती रात हंगामा हुआ। बैठक में सीट के लिए कई दावेदार मौजूद थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जैसे ही संभावित उम्मीदवार का नाम आगे किया, बैठक में हंगामा हो गया। टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने जैसे ही अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी शुरू की, प्रशांत किशोर नाराज हो गए और कह भी रहे हैं, सुना जा सकता है ये कौन सा तरीका है। देखिए जरा, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, मतलब सब कुर्सी का ही खेल है, इसलिए कुर्सी चल रही है, इसको इस तरह से समझ लीजिए। टिकट, सत्ता, दावेदारी और बात नहीं बनी तो कुर्सी के लिए कुर्सी फेंक दी गई। तो दावेदारी उम्मीदवारी तय करने के लिए प्रशांत किशोर ने बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसे ही संभावित उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से, भारी बवाल मच गया और दूसरे नेताजी के समर्थकों ने कुर्सियां चला दी वहां पर। देखिए जरा, दिखा रहे हैं तस्वीरें, लड़ते रहे नेता, देखते रहे प्रशांत किशोर, बोले ये कौन सी बात है। तो जहानाबाद बिहार में ये जंग, देखिए सत्ता ताजा भी बहुत दूर है, लेकिन उसके पहले ही किस तरह से ये हंगामा है, बवाल, बिहार में बवाल बा। देखिए तस्वीर, तो पीके यानी प्रशांत किशोर देखते रहे, लड़ते रहे आपस में नेता, अब पीछे से बोला भी जा रहा है ये कौन तरीका बा भाई। जहानाबाद बिहार में ये जंग, प्रत्याशी को लेकर ये सब जंग है। वहां पर कई जो संभावित प्रत्याशी थे उनके समर्थकों का जमावड़ा था और प्रशांत किशोर ने ये मीटिंग बुलाई थी, और जैसे ही उम्मीदवार का नाम ऐलान किया गया, दूसरे जो उम्मीदवार थे उनके समर्थक भड़क गए और उसके बाद से कुर्सी चला दी गई। ये देखिए, तमाम कुर्सियां उछाल दी गई और कुर्सी के लिए कुर्सी का खेला। बिहार में टिकट खाती बवाल बा, जहानाबाद में जंग, ये तस्वीर देखें। जनसुराज पार्टी